सांसद केसरगंज ब्रजभूषण सरन सिंह ने विधानसभा क्षेत्र नानपारा के बाबागंज में जनसभा कर विपक्ष पर करारा हमला बोला। आपको बता दें, भाजपा अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी रामनिवास वर्मा को जिताने की अपील की है। जहां जनपद बहराइच के रूपेडीहा विधानसभा क्षेत्र 283 नानपारा के बाबागंज में भाजपा व अपना दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, वही केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सरन सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व सपा उत्तर प्रदेश में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होती है। वही सांसद ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा के साथ साथ धारा 370 35 ए तथा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, कोविड टीकाकरण, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि उपलब्धियां जनसमूह के समक्ष रखी। संयुक्त गठबंधन से अपना दल प्रत्याशी रामनिवास वर्मा के समर्थन में सांसद ब्रजभूषण सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सड़क नाली या विकास का नहीं है, यह लड़ाई जिन्ना बनाम मोदी की है। नानपारा की जनता काफी समझदार है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता छुट्टा जानवरों से परेशान है, परंतु जो किसान गाय को लेकर परेशान है वो एक बात याद कर ले कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार इसकी एक अच्छी व्यवस्था करने जा रही है। सांसद ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आज राम राज्य है, हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है, तो ये योगी सरकार की देन है क्योंकि भाजपा सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा को वोट देगा वह योगी और मोदी जी के साथ है और जो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा वह आतंकवादियों के साथ है। उन्होंने इस बार नानपारा विधानसभा से बीजेपी एवं अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी रामनिवास वर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की है। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अपना दल गिरीश पटेल, उपाध्यक्ष रामसरन पेशकर वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए दयाशंकर शुक्ला की रिपोर्ट, रुपिडीहा बहराइच।